सो फाइनली गाइस अभी पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं, मैं हूँ और मेरे कज़न है साथ में, फिर से पूरी फैमिली ऊपर। और अभी वो देवा जो है वो आया नहीं है, ठीक है, बैठे हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 10 बजे की टाइमिंग थी, हम लोग पूरे 10 बजे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या, 10:48 हो गए हैं। और पिछले कल भी आए हुए थे हम लोग, वो बंदे नहीं आए, ठीक है। फिर हम चले गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जब हम पहुँचे तो फिर हमें कॉल आई थाने से कि आ जाओ, बट हम नहीं आ सकते थे बिकॉज हम दूर थे कहीं पे। शाम के टाइम वो बंदे आए हुए थे जो देवा वगैरह, फिर हम नहीं आ पाए। फिर पुलिस वालों ने अभी का टाइम दिया था, यहाँ पे बैठे हुए 2 जने और पीछे फैमिली बैठी हुई है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं भाई क्या रहता है और क्या बोलते हैं, करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं, फिलहाल वेट ही कर रहे हैं। तो बताते फिर क्या होता है। 2 hours later आज हम लोग आए हुए थे मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे जिनके साथ मतलब लड़ाई वगैरह का सीन था वो भी आए हैं और पूरी अपनी मतलब फैमिली आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मतलब अंदर पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, एप्लीकेशन वगैरह लिख दी है, तो ये है और बाकी सारा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो चुका है। समझौता हो चुका है और हाँ आप बता दीजिए ना, मतलब सारा कुछ कहा सुनी जो होगी थी, किसी से जो भी कहा सुनी होगी हुई थी उसका हम लोग अब समझौता कर रहे हैं। कोई भी हम लोगों को कोई भी किसी से दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आदमी ऐसा कुछ नहीं, और रात को ऐसे मिस हैपनिंग होगी हुई थी, बस उसमें हल्का सा कहा सुनी हुई, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, आप बताइए थोड़ा, मतलब ओके है ना सर ठीक है ओके है। अभी जो मैंने जो वीडियो डाली हुई है तो पुलिस वाले बोल रहे डिलीट कर दे, ये बोल रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला क्लिप शूट किया है। तो अभी जो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है जो जिसमें लड़ाई वगैरह हो गई थी, तो वो अभी डिलीट कर रहे हैं, जो भी बहस वगैरह हो गई थी रात को। तो अभी यहाँ पे खड़े मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बाकी सारा कुछ क्लियर हो चुका है। वो वीडियो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, कोई किसी से कोई वो नहीं है, झगड़ा वगैरह फुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वापस ले लिया, एक दूसरे को जानते थे, पर लेकिन वो रात को दिक्कत हुई थी, बाकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे वाले अंकल है ये भी बहुत अच्छे, ऐसा कोई इशू नहीं है इनको, बस थोड़ा सा ड्रिंक हुई थी तो उस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा बोल गए थे, उस वजह से कहा सुनी हुई थी, बाकी तो वैसे ये भी अंकल बहुत अच्छे हैं। बाकी सब ने वीडियो वगैरह देख लियो जो मैंने अपलोड करी थी, पूरे स्टेशन में वीडियो वगैरह देख ली पुलिस वालों ने भी, तो वो भी मेरे को ही बड़े डिलीट करते, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा क्लिप बना लिया। बाकी हो चुका है कॉम्प्रोमाइज, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देता हूँ थोड़ी देर बाद अपडेट। फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, एंड जितना भी मैटर था वो सारा क्लोज हो चुका है और दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और आप लोगों ने क्लिप चेक कर ही ली जो मैंने पुलिस स्टेशन में शूट करी है। तो मेरे को पुलिस वाले बोल रहे थे कि वीडियो हटा दे, वीडियो डिलीट कर दे, वो भी बोल रहे थे कि हटा दे यार ऐसे ना, उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि तेरी वीडियो डली है। और तो पुलिस स्टेशन में पूरी वीडियो देखी उन्होंने भी, मैंने उनसे डिमांड करी कि एक छोटा सा क्लिप चाहिए मेरे को कि मैं वो यूट्यूब पर डाल सकूँ कि क्या रीज़न है वीडियो हटाने का। तो वो क्लिप आप लोगों ने देख लिया, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से हो चुका है। मैंने वो क्लिप इसलिए शूट किया क्योंकि कल को कोई बोले ना कि तूने वीडियो क्यों डिलीट की, तो बंदे तो ऐसे सोचेंगे कि किसी ने कुछ बोला होगा या धमकाया होगा, तो उस चक्कर मैंने डिलीट कर दी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो मैंने वीडियो हटाई है। और बाकी यही था, मैटर जो है सॉल्व हो चुका है, उस बंदे को भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है और हमें भी नहीं है। तो बस इतना ही था वीडियो में, और बाकी अपने मैक्लोडगंज पुलिस वाले भी काफ़ी नाइस हैं सारे जितने भी हैं। बस यही था गाइज, एंड मिलते हैं अब किसी ब्लॉग वगैरह में, तब तक क्लिप आए।